सभी दर्शकों का एबीपी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निधिश्री। दीपावली के त्योहार की समाप्ति के बाद पूरे उत्तर भारत में लोक आस्था का महापर्व छठ की अनुभूति होने लगती है। प्रकृति की उपासना इस पूरे छठ के दौरान महसूस किया जा सकता है। और छठ क्यों मनाया जाता है, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन से। नीतू जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। बहुत आभार निधि जी। आपकी नजरों में आपके लिए छठ के क्या मायने, एक बार जरा गाने के हिसाब से, अगर गाने में आप बता सके कि छठ आपके लिए क्या मायने रखते हैं। गंगा जी के झील
सच्चिदानंद जी ने उसे लिख के भेजा है लखनऊ से, इसलिए मैं दर्शकों के सामने रख रही हूँ।
बहुत शुक्रिया, बिल्कुल एकदम छठ में माहौल जो है वो हो चुका है। आभार बहुत बहुत डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन का प्रणाम आप सभी को, फिर से छठ की ढेर सारी बधाइयां आपको भी, बहुत शुक्रिया, और सारे एबीपी न्यूज के सारे दर्शकों को भी, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।